स्वागत है आप सबका हमारे खास प्रोग्राम सुपरस्टार स्पेशल में। इस प्रोग्राम में हम बताते हैं भोजपुरी के सुपरस्टार से जुड़ी हर ताजा खबरें, जो आपको जानकर खुशी भी होती है और आपको जानकारी भी मिलती है। ऐसा कहा जाता है कि खेसारी नई हीरोइनों के लिए बड़े लकी हैं। उनके साथ काम करने के बाद हर हीरोइनों की किस्मत चमक जाती है, लेकिन खेसारी की किस्मत तब चमकी जब उन्होंने अपनी पहली फिल्म की एक हीरोइन के साथ, जिनका नाम था, वो हम आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे, लेकिन फिल्म का नाम बता देते हैं। फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल 2। इस फिल्म ने रातों रात खेसारी को बना दिया था स्टार, यानी जिस हीरोइन के साथ इस फिल्म में खेसारी ने काम किया वो खेसारी के साथ बहुत लकी रही है, क्योंकि खेसारी के साथ अभी तक हीरोइनों ने काम किया है तो उनको आगे भी फिल्में मिलती रही हैं, वो सफलता का परचम पाती रही हैं, लेकिन हीरोइन की वजह से खेसारी को फिल्में मिलने लगी, इनका नाम हुआ, ये स्टार बने। देखिए, भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल आज अपने करियर में मंजिल पा चुके हैं। खेसारी का करियर आज उस मुकाम को छू चुका है जहां तक हर कोई पहुंचना चाहता है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, खेसारी को आज यहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी थी ये शायद ही कोई जान पाया हो। खेसारी आज अपनी मंजिल की इतनी ऊंचाई पर है कि हर किसी को पहुँच पाना बड़ा मुश्किल है। आज उनका जन्मदिन है, इसलिए उनसे जुड़ी कई सारी खबरें आप लोगों को देखने और सुनने को जरूर मिली होंगी। तो चलिए हम भी खेसारी से जुड़ी एक खास खबर आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल खेसारी की पहली फिल्म थी साजन चले ससुराल, जिसमें खेसारी स्मृति सिन्हा के साथ नजर आए थे। स्मृति के साथ खेसारी को लोगों ने इतना पसंद किया कि रातों रात खेसारी दर्शकों के सामने इतने हिट हुए कि उनकी फिल्में देखना दर्शकों का क्रेज बन गया और रातों रात खेसारी बन गए सुपरस्टार। नेक्स्ट टू नाइन न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। हालांकि अब स्मृति भोजपुरी फिल्मों में नजर नहीं आती हैं, लेकिन उनकी पुरानी यादें आज भी लोग याद करते हैं और YouTube पर उनकी तमाम फिल्में हैं जो उनके फैंस जो थे वो देखकर मन भर लेते हैं, क्योंकि एक खूबसूरत और सुपरहिट हीरोइनों में स्मृति का नाम भी शुमार किया जाता था एक समय पर। खैर, अभी बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगली खबर जो पवन से जुड़ी हुई है, क्योंकि पवन आज इतने बड़े स्टार बन गए, लेकिन अगर उनके शुरुआती दौर की मेहनत आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे, क्योंकि पवन पर कई हमले हो चुके हैं, कई घटना उनके साथ घट चुकी है। आज आपको पर्दे पर जितने भी स्टार दिखाई देते हैं सबका बीता हुआ कल किसी ना किसी दर्दनाक घटना का शिकार हो चुका है या दर्दनाक घटना को पार कर चुका है। आज से 2 साल पहले पवन सिंह को बदमाशों ने रास्ते में घेर कर लूटपाट करने की कोशिश की थी, जिनसे बचने के बाद पवन जैसे तैसे पुलिस वालों के पास पहुंचे थे। वैसे ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी पवन को अपहरण करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब पवन अपने साथ हमेशा सिक्योरिटी गार्ड्स लेकर चलते हैं। पवन के शुरुआती करियर के दौर में उनके आगे बढ़ने से इंडस्ट्री के ही कई लोगों को जलन होने लगी थी, ऐसा उनके एक इंटरव्यू में सुनने को मिला था, इसलिए पवन को कई बार परेशान करने की कोशिश की गई। पवन के साथ ये किस्सा बस्ती जिले में हुआ जब वो अपनी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से बस्ती के लिए टैक्सी ले रहे थे, लेकिन अब शायद ही ऐसी स्थिति हो, क्योंकि पवन अब अकेले कहीं नहीं जाते, अपनी गाड़ी और सिक्योरिटी के साथ ही पवन हर जगह पहुंचते हैं। तो देखा आपने कि भोजपुरी के शहंशाह माने जाने वाले स्टार पवन सिंह ने कितनी मेहनत की यहाँ तक पहुँचने के लिए, उनके पास कितनी परेशानियाँ आई, कितनी घटना घटी है उनके साथ, लेकिन आज तक कभी उन्होंने इसका एहसास किसी को होने नहीं दिया।
हालांकि पवन अब पहले जैसे नहीं रहे, उनके जिंदगी में कई बदलाव आए हैं, लेकिन अगर अभी भी वो अपनी पुरानी यादों को याद करते हैं तो इमोशनल जरूर होते हैं। हालांकि अब उनके पास उतना टाइम नहीं है, लेकिन आप अपने भविष्य से और वर्तमान से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। खैर, बढ़ते हैं आगे, जान लेते हैं अगले खबर। वो आम्रपाली दुबे से जुड़ी है। आम्रपाली दुबे को लकी गर्ल कहा जाता है यूट्यूब का। बीते दिन पहले काजल ने उनका रिकॉर्ड थोड़ा, उनसे भी ज्यादा व्यूज मिले हैं काजल और पवन के गाने को। लेकिन एक बार फिर से आम्रपाली ने अपना रिकॉर्ड स्थापित करते हुए साबित कर दिया है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की क्वीन उन्हें ही बनना चाहिए, क्योंकि इतनी मेहनत करती हैं तो उसका फल भी वही जाहिर सी बात है मिलना ही चाहिए। क्योंकि उनका एक इंटरव्यू लिया गया था एक चैनल की तरफ से, उस इंटरव्यू को भी 1 करोड़ लोगों ने देख लिया। तो सोचिए कि आम्रपाली को देखना, सिर्फ उन्हें हंसना, सिर्फ उनके हाव भाव को देखना ही लोग कितना पसंद करते हैं। यही कारण है कि जिस भी फिल्म में और गाने में आम्रपाली नजर आती है वो हिट हो जाता है। ये जो हाल ही में रिकॉर्ड 1 करोड़ का रिकॉर्ड स्थापित किया है इंटरव्यू का, ये भी अपने आप में खास इसलिए है क्योंकि 1 करोड़ लोग उन्हें सिर्फ बोलते हुए देखना चाहते हैं, उनके एक्सप्रेशन देखना चाहते हैं। देखिए, बिहार और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी जोरों पर हैं। वहीं भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार आम्रपाली दुबे की YouTube पर बादशाहत कायम है। आम्रपाली दुबे कुछ भी करती हैं वो YouTube पर वायरल हो जाता है। ऐसा ही कुछ उनके एक इंटरव्यू के बारे में भी है। YouTube के एक न्यूज चैनल पर उनका इंटरव्यू आया और आते ही वायरल भी हो गया। इस इंटरव्यू को अब तक 1 करोड़ लोग देख चुके हैं। यही नहीं, 18 दिन पहले एक YouTube चैनल पर उनकी शूटिंग के रफ फुटेज को भी अभी तक 65 लाख लोगों ने देखा है। आम्रपाली दुबे के गानों ने पहले ही कई कीर्तिमान बनाए हैं। भोजपुरी के टॉप 10 व्यूज वाले गानों में मात्र 3 गाने ही ऐसे हैं जिनमें आम्रपाली दुबे नहीं है। लेकिन अब आम्रपाली के एक इंटरव्यू ने भी एक अद्भुत रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 मिनट का ये वीडियो YouTube पर ना सिर्फ बेहद लोकप्रिय है बल्कि इसे 8,500 से भी ज्यादा दर्शक लाइक कर चुके हैं। उम्मीद है आम्रपाली अपनी इतनी ज्यादा बढ़ती लोकप्रियता को लेकर बहुत खुश होती होंगी। खैर, खुशी की बात तो है ही, अब बढ़ने चाहिए आगे और जान लेते हैं अगली खबर जो 23 मार्च से जुड़ी हुई है। एक आज का दिन है 16 तारीख जहां 3-3 फिल्में एक साथ रिलीज हुई। अब आने वाले 23 मार्च को भी यही होने वाला है। 23 मार्च को एक 3 फिल्मों के साथ एक बहुत अच्छी कहानी आप लोगों को पर्दे पर देखने को मिलेगी जिसका नाम है चना जोर गरम। जी हाँ, नेहा श्री के साथ प्रमोद प्रेमी की जोड़ी आप लोगों को इस फिल्म में देखने को मिलेगी। नाग नागिन की स्टोरी पर बनी ये कहानी है। इसके बाद आपको कई सारी कहानी और देखने को मिलेगी नाग नागिन की, लेकिन ये अपने आप में खास है और पहली फिल्म है नाग नागिन से जुड़ी हुई जो आपको सबसे पहले देखने को मिल रही है। तो 23 तारीख को अपने नजदीकी सिनेमा घर में जरूर जाएं और ये फिल्म देखें। लेकिन फिलहाल देखिए इस फिल्म से जुड़ी हुई ये खबर। अब भोजपुरी दर्शकों का इंतजार समाप्त होने को नेहा श्री एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनी फिल्म चना जोर गरम की रिलीज डेट को फाइनल कर दिया गया है। इस फिल्म को लेकर ऐसा माना जा रहा है कि यह दृश्य एक अद्भुत दृश्य होगा। वहीं फिल्म का ट्रेलर पहले लॉन्च कर दिया गया है जिसे सीने प्रीमियो ने काफी पसंद भी किया और इस फिल्म के रिलीज होने का बेसब्री से दर्शकों को इंतजार था। तो बता दें कि फिल्म चना जोर गरम 23 मार्च को सिनेमा पर्दा पर प्रदर्शित होने वाली है। फिल्म की कहानी नाग नागिन की रोचक कहानी पर आधारित है। फिल्म पूरी तरह से गीत और संगीत से भरी है। फिल्म पूरी तरह से पारिवारिक है। इसके कॉन्सेप्ट लाजवाब हैं, जो सीने प्रेमियों को खूब पसंद आएंगे। बता दें कि फिल्म का टाइटल जितना आकर्षक है उतने ही ढंग से फिल्म को भी फिल्माया गया है। तो 23 मार्च को देखना ना भूलें अपने नजदीकी सिनेमा घर में चील और सांप और नाग नागिन की प्रेम कहानी चना जोर गरम। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया की रिपोर्ट। तो ये थी आज के सुपरस्टार से जुड़ी कुछ ताजा तरीन खबरें। अगली बार फिर मिलेंगे ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। चलने का समय हो चुका है, लेकिन हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। नेक्स्ट टू 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।